जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और जबरदस्त नई भर्ती के साथ। कौन सी भर्ती है दोस्तों आपके लिए? ये है साथियों AAI, यानी कि एयरपोर्ट में, कार्गो एयरपोर्ट में सुरक्षा में, जैसे मान लो सिक्योरिटी स्कैनर के पद पर ये भर्तियां हैं साथियों। बहुत ही अच्छे खासे पद हैं, 900 प्लस पद हैं इसमें दोस्तों। और इसमें आपको संपूर्ण जानकारी मैं देने वाला हूं, काम क्या करना पड़ेगा, कैसी ड्यूटी रहेगी, संविदा की भर्ती है, बिना परीक्षा की भर्ती है साथियों ये। इसमें परीक्षा नहीं ली जाएगी आपकी, मेरिट बेस पे ही आपका सिलेक्शन होगा। और इसमें सारी की सारी जो बातें हैं वो मैं आपको आसान भाषा में समझाने वाला हूँ। बॉन्ड भी है इसमें दोस्तों। जी हाँ साथियों, इसमें आपकी जॉब के लिए बॉन्ड भी देना पड़ेगा। बॉन्ड के लिए क्या सिस्टम है, क्या नहीं है, सारी चीज बताऊंगा एकदम आसान और सरल भाषा में, थारे सब कुछ समझ में आ जाएगी। फॉर्म भरना चाहिए कि नहीं भरना चाहिए, अपने को फायदा है कि नुकसान है, ये भी मैं बताऊंगा। परमानेंट नौकरी है कि बीच में हटा देंगे, ये भी बता दूंगा। सरकारी है कि ये लिमिटेड है कि ये प्राइवेट है, कि क्या सिस्टम है, कैसी नहीं है, सारी बात कराऊंगा एकदम संपूर्ण जानकारी के साथ। तो अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो फटाफट से चैनल से जुड़ जाइए दोस्तों। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 500 रोजगार आप ही का चैनल है दोस्त। ये काली पट्टी में सब्सक्राइब लिख रखा है ना, जाके इसको दबा दो। इसको दबा दोगे तो चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, आप हमसे जुड़ जाओगे, हम आपसे जुड़ जाएंगे, फिर जो भी खबर आएगी, जो भी भर्ती आएगी, तत्काल प्रभाव से आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। तो चलो शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं राजेश गुर्जर स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे साथियों का 500 रोजगार के यूट्यूब चैनल में। देखो भाई, सर्दी का मौसम है, थोड़ा ठंड लग गई भाई। AAI क्लास एयरपोर्ट सीधी भर्ती 2023। AAI का मतलब तो आप समझते ही हो, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है साहब। अब इस क्लास का मतलब भी बता दूं तुमको, ये भी बता दूंगा। एयर कार्गो सर्विस लिमिटेड भर्ती है। क्लास का मतलब, AAI का मतलब तो समझ गए, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्लास का मतलब, सी का मतलब कार्गो, एल का मतलब लॉजिस्टिक्स, ए का मतलब एलाइड, एस का मतलब सर्विसेज कंपनी लिमिटेड, ठीक है। यानी कि ये एयरपोर्ट की है, हवाई जहाज वहां पे रनवे होता है, हवाई जहाज होते हैं, यात्री आते हैं, जाते हैं, बैठते हैं, उड़ करके जाते हैं, दूसरे देशों में जाते हैं, हर जगह एक राज्य से दूसरे राज्य, इस प्रकार से ये हवाई अड्डे की नौकरी है, एयरपोर्ट की नौकरी है साथियों। ऑनलाइन आवेदन है, 17 नवंबर से शुरू है, 8 दिसंबर लास्ट डेट रहने वाली है। 8 दिसंबर से पहली पहली आवेदन कर दोगा तो ठीक है, बाद में साइट बंद, ठीक है साहब। बिना परीक्षा सीधी भर्ती, कोई परीक्षा नहीं देनी है, संविदा की भर्ती है साथियों, ठीक है। ये भर्ती संविदा की है, 3 साल के लिए है, बाद में तुमको साहब परमानेंट कर देंगे, वो बाद की बात है। अगर आप काम अच्छा करोगे तो परमानेंट करेंगे, काम नहीं करोगे तो 3 साल बाद हटा देंगे। 3 साल की नौकरी है, कान खोल के ध्यान से सुनो रे, ध्यान से सुनो, कहां ध्यान है राजेश सर, यहां है। आपको 3 साल के लिए लगाया जाएगा FTC के बेस पर, कॉन्ट्रैक्ट बेस पर। FTC का मतलब होता है फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट, समझ रहे हो, फिक्स 3 साल के लिए आपको लगाया जाएगा। और संविदा की भर्ती है, ये जो नौकरी है, ये कार्गो एयरलाइन, जैसे मान लो कार्गो एयरपोर्ट होते हैं ना, उसमें ना तो ये सरकारी है ना ये प्राइवेट है, ये है लिमिटेड, बीच की है ना, तो इसको सरकारी कह सकते, सरकारी कत्ता ही नहीं है, सरकारी तो एयर इंडिया है, वो भी अब तो उसमें गया, ये ना प्राइवेट है भाई, कत्ती प्राइवेट है, कर्मचारी लग गए तो बेचारे अब क्या करें, उनके कोई सुरक्षा नहीं है, उनका कोई सिस्टम, ऐसा भी नहीं है, ये लिमिटेड जॉब है, कंपनी की जॉब है, अच्छी है, एयरपोर्ट पे आपको लगाया जाएगा। और पद आपका सिक्योरिटी स्क्रैनर फ्रेशर के लिए है, 906 पदों पर वैकेंसी है, यानी कि 906 पदों पे सिक्योरिटी स्क्रैनर के लिए स्नातक मांगी गई है, यानी कि अगर आप BA हो, BSc हो, BCom हो, कोई भी हो, स्नातक में जनरल वालों की 60% बनी हो, SC ST की 55% बनी हो तो ही फॉर्म भरना, अन्यथा फॉर्म मत भरना दोस्त, ठीक है। पूरम पट 60% जनरल के लिए, SC ST के लिए 55, और जनरल OBC EWS वो तो उसी में आ गई 60% में, ठीक है। जनरल OBC EWS 60%, SC ST 55% स्नातक में।
वेतन रहेगा आपका बता देता हूँ, 3 साल की नौकरी है, बॉन्ड भी ले रहे हैं। अच्छा एज क्या है साहब, 18 से 27 साल एज है। SC ST को 5 साल की छूट है, OBC को 3 साल की छूट है। OBC वाला कोई भी कैंडिडेट 30 साल का भी है तो फॉर्म भर देगा। ऑल इंडिया में महिला पुरुष आवेदन कर सकते हैं, ऑल इंडिया में। ऐसा नहीं है कि साहब हम कहां से भरे कहां से नहीं भरे, महिला पुरुष ऑल इंडिया में कहीं से भी आप फॉर्म लगा सकते हो। अलग अलग इसमें राज्य है उस हिसाब से अलग अलग लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये है कि आपको पूरे भारत में किसी भी कार्गो के एयरपोर्ट पे तैनात किया जा सकता है। काम क्या रहेगा साहब, सिक्योरिटी स्कैनर है भाई, यात्री आ रहे हैं उनकी तलाशी लेनी है, जांच करना है। ये नहीं आते रहते हैं, सवारियां उतरती रहती हैं फिर जाते भी रहते हैं, तो उनकी जांच पड़ताल करनी है, सुरक्षा करनी है, हवाई अड्डे की देख रेख करना है, ये काम रहेगा आपका। बस तलाशी लेनी है भाई, कुछ ले तो नहीं आया है, कुछ वैसे पिस्टल वगैरह चक्कू कुछ हथियार वगैरह कुछ ले तो नहीं रखा है, वो चीजें आपको देखनी है, जांच करना है, ये काम रहेगा आपका। ऐश करोगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस नौकरी में, इस वैकेंसी में आपको बॉन्ड की बात कही गई है। फॉर्म फीस कुछ भी नहीं है, जनरल OBC के 750 है, SC ST और EWS के 100 रुपए है, इनके लिए तो फायदा है। बाकी भाई 750 थोड़ा ज्यादा है। SC ST EWS के, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, उनके 100 रुपए लगेंगे। और महिला जितनी भी है, चाहे जनरल की हो, OBC, MBC, WS कोई भी हो, महिला के भी 100 ही लगेंगे। ठीक है साहब, 1.5 लाख का बॉन्ड है, 100 रुपए का स्टाम्प लेना है, उस स्टाम्प पे आपको लिख के देना पड़ेगा 1.5 लाख का बॉन्ड। ये बॉन्ड क्या होता है साहब, बॉन्ड ये होता है कि मान लो 3 साल की ये नौकरी है, और 3 साल के बीच में अगर आप छोड़ना चाहते हो इस नौकरी को कि साहब 1 साल में ही थक लिया बस नचीत काम छोड़ भागा, ऐसे होता है ना, बहुत सारी कंपनियां ऐसे जिसमें कर्मचारी टिक नहीं पाते हैं, बहुत हार्ड काम होगा या और भी कुछ समस्या आ सकती है तो बीच में भागने की कोशिश करेगा। तो इस वजह से ये कंपनी 3 साल के लिए बॉन्ड लेगी कि 1.5 लाख रुपए का बॉन्ड लिख के दो नोटरी करवा के स्टाम्प पे, और फिर लेगी आपसे कि भाई अगर आप बीच में कभी भी छोड़ते हो 3 साल पूरी होने से पहले ही, 2 साल में छोड़ दो, 2.5 साल में छोड़ दो, तो आपको 1.5 लाख रुपए देने पड़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, 1.5 लाख रुपए आपको देने पड़ेंगे, ये होता है बॉन्ड। और अगर आप 3 साल पूरी कर देते हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन इस नोटिफिकेशन में थोड़ा सा समस्या ये हो रहा है कि इसमें रिफंड शब्द लिखा गया है, तो इस रिफंड शब्द का अर्थ तो कुछ और ही निकल रहा है। वैसे बॉन्ड यही होता है जो मैंने आपको बताया है, कोई भी कंपनी होती है एयरपोर्ट की वगैरह, कोई भी कैसी भी कंपनी, जिसका बॉन्ड का मतलब यही होता है भाई कि भाई जो लिख के दो कि हम 2 साल के लिए लगा रहे हैं और आप बीच में 1 साल करके छोड़ दो, तो फिर वो बॉन्ड देना पड़ेगा आपको, पेनल्टी है वो पैसे देने पड़ेंगे। क्योंकि हमने आपको ट्रेनिंग दी है, सिखा दिया आपको, सब कुछ सिखा दिया है, अब आप दूसरी कंपनी में जा रहे हो, काम हमने सिखाया है, अब तुम दूसरी कंपनी में जाके वहां पैसा कमाओगे, वहां लग जाओगे, तो हमारे ट्रेनिंग का क्या हुआ, हमारा तो फिर ये कंपनी का जो टेंडर है ये तो ट्रेनिंग देने में ही निकाल दिया, कर्मचारी तैयार कर करके दे रहे हैं हम तो, और तुम कहीं और काम कर रहे हो, इस वजह से बॉन्ड लगाते हैं। तो बॉन्ड का मतलब यही होता है, 2 साल के लिए लगाया है तो 2 साल से पहले आप छोड़ नहीं सकते, करना ही पड़ेगा साहब, नहीं तो पैसा दो फिर। अच्छा लेकिन इसमें ये रिफंड शब्द लिखा है तो इसका मतलब ये तो पहले लेंगे, समझ रहे हो, ये तो चेक लेंगे, फिर इसका मतलब ये हुआ कि भाई जैसे ही आपका चयन होगा, चयन कैसे होगा, चयन शॉर्ट लिस्ट जारी होगी, आपकी स्नातक में कितनी परसेंटेज बनी है, सबसे ज्यादा बढ़िया अंक बने हैं 70 है, किसी की 80 है, तो उस हिसाब से लेंगे ऊपर ऊपर। फिर आपका फिटनेस चेक होगा, फिटनेस में यही है कि भाई आप ठीक ठाक शरीर है, बढ़िया है, कोई दिक्कत, ऐसे नहीं है कि सब फिजिकल मेडिकल लेंगे कि ना, हाइट वगैरह कुछ नहीं है, सीना वगैरह कुछ भी नहीं मांग रहे हैं, सिर्फ फिटनेस होना चाहिए, शरीर ठीक ठाक हो, विकलांग वगैरह ना हो। ठीक है साहब, मेडिकल भी लेंगे, मेडिकल में क्या, आंख नाक कान गला जबान वबान ठीक ठाक हो बस, और कोई कुछ दिक्कत ही नहीं है भाई, आंख सही होनी चाहिए, कान सही होने चाहिए, और भाई आपका जो भी है सुनने का देखने का यही चीजें होती हैं, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और मेरिट लिस्ट जारी होगी, यही चीज है, परीक्षा वरीक्षा कुछ भी नहीं है, बिना परीक्षा ही होगा। जैसे ही आपका शॉर्ट लिस्ट में नंबर आएगा, फिटनेस में बुला लेंगे, फिर मेडिकल ले लेंगे और बस, फिर आपको क्या रहेगा,
फिर आपको एयरपोर्ट की ड्यूटी दी जाएगी, ट्रेनिंग दी जाएगी सबसे पहले। फिर उस ट्रेनिंग में आपको सब कुछ सिखाया जाएगा, कैसे तलाशी लेनी है, कैसे करना है काम, कैसे ड्यूटी देनी है, सारी चीजें आपको वहीं सिखा देंगे। उसके बाद फिर ये बॉन्ड की बात हुई है दोस्तों कि आपको ट्रेनिंग के समय बॉन्ड लिया जाएगा, हो सकता है आपसे चेक भी लिया जाए और हो सकता है आपसे वो स्टाम्प भी लिया जाए कि भाई स्टाम्प पे लिख दो हमें। तो अगर आप छोड़ते हो बीच में तो आपको एक्सपीरियंस भी नहीं मिलेगा और बॉन्ड भी देना पड़ेगा, और ये चीजें हो सकती हैं। अगर आप बॉन्ड नहीं दोगे तो फिर आपके ऊपर कुछ कार्रवाई वगैरह भी हो सकती है कंपनी द्वारा, कुछ भी हो सकता है। और अगर पहले ही ये बॉन्ड लेते हैं कि साहब पहले ही दो हमें तो 1.5 लाख रुपए, तो भैया फिर आपकी मर्जी है, अगर आप जॉब करना चाहते हो तो करना, नहीं करना चाहते तो मत करना, कोई दिक्कत नहीं है। एयरपोर्ट की सुरक्षा करनी, यात्रियों की तलाशी लेनी, हवाई अड्डे की सुरक्षा करनी, ये चीजें हैं। 3 साल की नौकरी है तो 3 साल का वेतन अलग अलग मिलेगा, पहली साल में 30,000 रुपए, दूसरी साल में 32,000 रुपए और तीसरी साल में 34,000 रुपए तनख्वाह आपको मिलती रहेगी और 3 साल बाद निकाल देंगे, चलो साहब छुट्टी, ठीक है। फिर आपको अनुभव प्रमाण पत्र भी बना के देंगे कि भाई इतने इतने साल, 3 साल आपने जॉब की है तो आपका भविष्य सुधरे उससे, ये चीजें हैं। बॉन्ड का एक बार आप ध्यान रख लेना दोस्तों, बॉन्ड यही होता है, बीच में छोड़ने पर पैसे देने पड़ेंगे 1.5 लाख रुपए, ठीक है साहब, ठीक है जी। तो ये है इसकी संपूर्ण जानकारी दोस्तों, आई होप आपको ये जानकारी अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर अच्छे से समझ में आ ही गई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि देश में जितनी भी भर्तियां निकलती हैं तमाम हम आपको समझाते रहते हैं और अच्छी परफेक्ट तरीके से आपको जानकारी देते रहते हैं। तो जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलूंगा एक और जबरदस्त ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद जय भारत।